हेलो, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए एट गेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा सातवीं का है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। आज हम आपको अध्याय 9 परिमेय संख्या बताएंगे। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, वही प्रश्न बताएंगे। चलिए इसका प्रश्न नंबर एक देखते हैं। क्या कह रहा है? ऋण 3/11 धन 5/9 का योग ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं इसे। तो हम सबसे पहले प्रश्न लिख दिए, ऋण 3/11 धन 5/9। ये ऋण 3/11 लिखे, धन 5/9 लिख दिए। ये ऋण से ऋण कैंसिल कर दिए, क्या बच गया? अब हमारा 3/11 धन 5/9 ये बचा हुआ है। अब जब हम, ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। इन्हें हम जब जोड़ते हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा? इनका लघुत्तम। लघुत्तम किसका लिया जाता है? हर का। हर में क्या है यहाँ पे? 11 और 9। 11 और 9 का लघुत्तम क्या आ जाएगा? 99। आप इसको गुणनखंड विधि से निकाल के देखेंगे तो 99 इसका क्या आ जाएगा? लघुत्तम सम आपको बता गया। तो ये यहाँ पे लघुत्तम समाप्त लिख दी हमने, ये 99 लिख दी। अब इसे कैसे हल करते हैं? देखिए, ये जो इसका हर है 11 का भाग इसके लघुत्तम 99 में देंगे, कितने बार जाएगा? 9 बार। और इस 9 का गुणा इसके अंश कितना है? 3 में गुणा करेंगे तो ये 3×9 हो गया। फिर ये धन का चिन्ह आ गया आपका। फिर 9 का भाग 99 में दिए, कितने बार गया? जो इस संख्या 5/9 है, इसका जो हर है 9, इसका भाग किस में देंगे? 99 में। कितने बार जाएगा? 11 बार जाएगा। और उस 11 का गुणा इसके अंश 5 से कर देंगे, 5×11। अब गुणा कर दीजिए ऊपर का। 9 का 3 में गुणा की 27, 11 का 5 में गुणा की 55/99। अब 27 में 55 जोड़ दो, 5 में 7 जोड़े, 12 की 2, हासिल का 1, 5 और 1 6 7 8। तो कितना हुआ? 27 में 55 को जोड़े तो कितना आ गया हमारा? 82 आ गया, 99। तो इस प्रकार ऋण 3/11 धन 5/9 का योग क्या आ गया? 82/99। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक एक कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दो देखिए। प्रश्न क्रमांक दो में क्या दिया हुआ है? 5/63 ऋण कोष्टक में ऋण 6/21 का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसका मान ज्ञात करना है। बीच में क्या चाहिए? ऋण का यानी घटाना है इसे। तो घटाने में भी हमें क्या करना पड़ेगा? पहले प्रश्न लिख दिए हमने, ये लिख दिए और ये कोष्टक हटा दिए, तो ऋण का ऋण में गुणा किए तो क्या हो गया? धन। अब यहाँ पर जो 5/63 धन 6/21, इसको हम जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? हर का लघुत्तम। हर में क्या है? 63 और 21 का लघुत्तम आप गुणनखंड विधि से इस प्रकार से निकाल के देख सकते हैं। ये निकाल के बताए तो इसका लघुत्तम कितना आया? 63 आया। इसका लघुत्तम कितना आ गया? 63 आ गया। ये तो हमने लघुत्तम 63 लिख दिए। अब 63 का भाग हम 63 में देंगे, कितने बार जाएगा? 1 बार। और उस 1 का भागफल जो 1 आया, उसका गुणा इसके अंश 5 से कर देंगे, 5×1। फिर धन का चिन्ह। अब 21 का भाग किस में देंगे? 63 में देंगे, कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और उस 3 का गुणा, जो भागफल 3 आया, उसका गुणा हम इसके अंश 6 से कर देंगे, 6×3। तो ये हो गया हमारा 5×1 धन 6×3/63। अब 5 का 1 में गुणा की 5×1=5, ये आ गया 5। फिर 6 का 3 में 6×3=18/63। अब 5 में 18 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 23/63। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया? 23/63। प्रश्न क्रमांक दो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या कहा है? गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करना यानी आपको गुणा करना है किनका? इन संख्याओं का। तो पहले हम अ नंबर को हल करते हैं। तो अ नंबर का प्रश्न लिखे हमने, हल लिख दिए। प्रश्न लिखे ऋण 6/5×9/11। जब गुणा की बात आती है तो अंश का अंश में गुणा करना है और हर का हर में। तो ये ऋण का धन में गुणा की तो ऋण 6×9=54 अंश का गुणा हो गया। अब 5 का 11 में गुणा कर दीजिए, 11×55। तो इस प्रकार ऋण 6/5×9/11 का गुणनफल कितना आ जाएगा? ऋण 54/55। इस प्रकार अ नंबर का प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ब नंबर का प्रश्न को देखते हैं। ब नंबर का प्रश्न क्या दिया हुआ है? 3/5×5/3। अब देखिए हम ये लिख दी, प्रश्न जैसा का वैसा लिख दी हमने। अब इस अंश का अंश में गुणा किए तो 3×5 और हर का हर में गुणा किए तो 5×3। अब 3 का 5 में गुणा किए तो कितना आया? 15। 15 आ गया। और 5 का 3 में गुणा किए तो 15। ऋण से ऋण कैंसिल हो गया। ये 15 का भाग 15 में दी, कितने बार गया? 1 बार गया। तो ये आपका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। यानी कि ब नंबर का प्रश्न था 3/5×5/3 का गुणनफल कितना होगा? 1। इस प्रकार से आपका ब नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ और प्रश्न 3 यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? ऋण 2/13/1/4 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे भाग वाला प्रश्न आ गया। परिमेय संख्याओं का कैसे भाग देते हैं वह बताना है हमें। तो पहले हमने प्रश्न लिख दिए, ऋण 2/13/1/4। अब ये जो आपका पहला पद है, पहली परिमेय संख्या ऋण 2/13 को जैसा का वैसा लिख दीजिए। और ये चिन्ह काय का है? भाग का चिन्ह है आपका। ये भाग है तो भाग को हम कायम बदल देंगे, गुणा में बदलेंगे।
जैसे ये 1/4 है तो क्या बन जाएगा, 4/1। अब अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, ऋण 2 का 4 में गुणा की तो ऋण 8, और 13 का 1 में गुणा की तो 13। तो इस प्रकार ऋण 2/13 भागित 1/4 का मान क्या आ जाएगा, ऋण 8/13। इस प्रकार से यहाँ आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है, ऋण 2 एवं ऋण 1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको ऋण 2 और ऋण 1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। तो हम ये ऋण 2 और ऋण 1 के बीच 3 कहा है ना, तो आपको ये ऋण 2 में 4 का अंश में भी और हर में भी गुणा कर देंगे। तो हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, ऋण 2/1 लिख दिए, और 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना, इसलिए 4 का अंश में भी गुणा और हर में गुणा कर दिए। तो ऋण 4 का ऋण 2 में गुणा की तो ऋण 8, 4 का 1 में गुणा की 4। तथा अब इसके बाद ये ऋण 1 है ना, दिख रहा है, इसको भी ऋण 1/1 लिख दिया आपने, गुणित इसके भी अंश और हर में 4 का गुणा कर दीजिए। 4 एकम 4, ऋण 1 में 4 का गुणा की तो ऋण 4 आ गया, 4 का गुणा 1 में किए तो 4 आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किए, यहाँ पे इनका गुणा करके ये मान प्राप्त किए। अब हमने 4 का ही गुणा क्यों किया, क्योंकि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना उससे एक अधिक कर दीजिए और उसका अंश और हर में गुणा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको ये प्राप्त हो गया ऋण 8/4 और ऋण 4/4, यानी इसके हर समान हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे ऋण 8/4, ऋण 7/4, ऋण 6/4, ऋण 5/4 और ऋण 4/4। अब इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहा था, 3। तो इनके बीच की 3 परिमेय संख्या कौन सी हो गई, ऋण 7/4, ऋण 6/4, ऋण 5/4। तो इस प्रकार से आपकी ये 3 परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। आप उत्तर में लिख सकते हैं अंत में, अतः ऋण 2 एवं ऋण 1 के बीच 3 परिमेय संख्याएँ कौन सी होगी, ऋण 7/4, ऋण 6/4, ऋण 5/4 हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है, 5/3 के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/3 के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए कह रहा है, संख्या लिखिए। तो अब हमें क्या निकालना है, समतुल्य 4 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम जो हमारी परिमेय संख्या है 5/3, इसमें 2/2 का गुणा कर दो तो 5 × 2 = 10, और 3 का 2 में गुणा की तो 6। तो यह हो गया, एक तुल्य आ गई, फिर दूसरी निकालना 3 का गुणा कर दीजिए, फिर तीसरी निकालना 4 का गुणा, फिर 5 का। देखिए हमने यहाँ गुणा कर आपको गुणा करके बताएं, तो 2 का गुणा करके हमने 10/6 एक समतुल्य निकाल लिए, परिमेय संख्या निकाल लिए, फिर 3 का गुणा 5 किया, 15/9, यानी कि 15/9 दूसरी हो गई, फिर 4 का गुणा कर दीजिए आंसर हर में, 5 × 20, और 3 का 4 में गुणा की तो 12। तो इस प्रकार 20/12, और ये चौथी 25/15। तो इस प्रकार से ये आपकी 5/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी हो गई, 10/6, 15/9, 20/12, 25/15 हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 7 में देखिए, ऋण 3 सहित 2/7 और ऋण 3 सहित 4/5 में कौन सी संख्या बड़ी है। यह आपकी मिश्र भिन्न है, और इन मिश्र भिन्नों में 2 परिमेय संख्या दी है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले आप मिश्र भिन्न को कायम बदल दीजिए साधारण भिन्न में। देखिए कैसे बदलते हैं साधारण भिन्न में, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल के बता रहे हैं। तो ये जो 3 सहित 2/7 है, 7 का 3 गुणा की 7 21, और 21 में इस 2 को जोड़ दीजिए कितना हो गया, 23। तो ऋण 23/7 हो गया हुआ। अब ऋण 3 सहित 4/5 को बदलेंगे तो 5 किया 15 और 4 19, 15 में 4 को जोड़े 19/5। तो इस प्रकार आपकी ये 2 परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई, ऋण 23/7 और ऋण 19/5। अब इनका क्या करेंगे हम, ये इसके अंश हर के लघुत्तम लेंगे, 7 और 5 का लघुत्तम कितना आ गया, 35 आ गया। अब ये ऋण 23/7 बराबर, ये 7 का भाग 35 से तो कितने बार गया, 5 बार, 5 का गुणा इसके अंश और हर में कर दिए, ऋण 23/7 गुणित 5/5। ऋण 23 में 5 का गुणा करो, 5 किया 15 की 5 8 का 1, 5 × 2 = 10, और 1 11, यानी ऋण 115 आया। ऋण 23 का 5 का गुणा की तो ऋण 115 आया, और 7 × 5 = 35। इस प्रकार से ये आपकी पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या क्या थी, परिमेय संख्या, ऋण 19/5 लिखे आपने। अब इस 5 का, इसके हर के 5 का भाग किस में देंगे, 35 में, कितने बार जाएगा, 7 बार, और उस 7 का गुणा ऋण 19/5 से कर देंगे। तो ये गुणा किए 19 का 7 में 7 = 63 हासिल का 6, 7 एकम 7 और 6 13। तो ऋण 19 का 7 में गुणा की तो ऋण 133 और 7 का 5 में गुणा की 35। अब ये आपकी संख्या इसके हर समान हो गए। जब हर समान हो गए तो आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। तो देखिए यहाँ पे जो ऋणात्मक संख्या है, ऋण 115 बड़ी है किससे, ऋण 133 से।
इसलिए ऋण 115/35 बड़ी होगी किससे, ऋण 133/35 से। अतः ऋण 3 सही 2/7 बड़ी है किससे, ऋण 3 सही 4/5 से। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 आएगा। प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है, सतपाल किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 2/3 किलोमीटर चलता है और फिर वहां से पश्चिम दिशा में 1 सही 5/7 किलोमीटर चलता है। अब वह पी से किस दिशा में तथा P से कितनी दूरी पर होगा। तो देखिए बिंदु P से सतपाल की दूरी होगी, बिंदु P से सतपाल की दूरी कितनी होगी, तो ये जो 2/3 किलोमीटर है और क्या है आपका यहाँ पे 1/5 1 सही 5/7 है, ये पश्चिम दिशा में कि विपरीत दिशा में चल रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम घटा देंगे। तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ऋण 1 सही 5/7। तो बिंदु P से सतपाल की दूरी इस प्रकार से आप निकालेंगे यहाँ पे 2/3, ये धन का ऋण में गुणा की, तो ऋण और 7 एकम 7, तो 7 में 5 जोड़े 12 12/7। अब हम क्या करेंगे इसे हल कर देंगे, इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 7 3 21 21 लघुत्तम आ गया। अब इस 3 का भाग 21 में दीजिए, कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, और उस 7 का इसके अंश से गुणा कर दीजिए, अंश में कितनी संख्या है 2, तो 2 × 7 ऋण 7 का भाग 21 में दी कितने बार गया, 3 बार गया, और 3 का गुणा किससे कर देंगे, इसके अंश 12 से, तो 12 × 3। अब गुणा कर दीजिए, 7 × 14 12 3 36 / 21। अब 14 में से 36 घटाया तो कितना आएगा, 4 में से 6 गया 2, 3 में से 1 गया, तो 22 आया, और बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऋण 22/21। और जब हम 21 का भाग 22 में देंगे तो मिश्र भिन्न बदल जाएगा, तो ऋण 1 सही 1/21। तो ये क्या आ जाएगी, अब वह P से किस दिशा में तथा P से कितनी दूरी पर होगा, तो ऋण 1 सही 1/21 दूरी पर होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, एक संख्या रेखा खींचिए। क्या खींचने को कह रहा है, संख्या रेखा खींचने के लिए कह रहा है, उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्या को निरूपित कीजिए। निम्नलिखित यानी कौन सी परिमेय संख्या है, ये अ नंबर की, ब नंबर की, स नंबर की और द नंबर की। तो हमें क्या खींचना है, संख्या रेखा। तो एक संख्या रेखा खींच लीजिए इस प्रकार से, और बीच में यहाँ पे क्या ले लीजिए, शून्य, हमने शून्य ले लिए। अब यहाँ पे शून्य के दाई और धनात्मक मान जाते हैं और बाई और ऋणात्मक। अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, 3/4 को हम करना है, कितने भाग कर देंगे इसके, 4 भाग, 1 2 3 4 भाग कर दिए, 1 के कितने भाग हो गए, 4 हो गए, और 3/4 कह रहा है, तो 3 गिन लीजिए यहाँ से, 1 2 3, तो 3/4 को इस प्रकार आप प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे क्या कह रहा है, ऋण 5/8, ब नंबर है, ऋण 5/8, तो इसमें भी शून्य के दाई और धनात्मक मान जाएंगे और बाई और ऋणात्मक मान आएंगे। तो शून्य से सिर्फ बाई और चलेंगे क्योंकि ऋणात्मक है, कितने इसके भाग कर लेंगे, यहाँ हर में 8 है, तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हो गई है। और क्या निरूपित करना है, ऋण 5, तो यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, तो ऋण 5/8 को आप यहाँ पे निरूपित कर सकते हैं। इसी प्रकार का स नंबर का प्रश्न को हल कर सकते हैं आप और द नंबर के प्रश्न को। तो इस प्रकार से हमने ये आपको अ ब स और द 4 प्रश्न बताए, इनको यहाँ पे संख्या रेखा पे निरूपित करके बताए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में निम्नलिखित परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। ये जो संख्या दी है इनको हमको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में कब लिख सकते हैं, आरोही क्रम यानी क्या होता है, बढ़ता क्रम में लिखना है हमें, और कब लिख सकते हैं, जब परिमेय संख्याओं के आधार समान हैं। यदि आधार समान नहीं तो हमें आधार समान करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। चलिए यहाँ पे 1/3, ऋण 2/9 और ऋण 4/3, इनको कायम लिखना है हमें आरोही क्रम में। तो इसके जो हर हैं, हर में जो संख्या दी, इनके लघुत्तम ले लीजिए, क्योंकि इनके हरों को हम समान करके ही बता पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। चलिए लघुत्तम लेते हैं, 3 9, और 3 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 में 3 का भाग भी चल जाएगा, 9 का भाग भी चल जाएगा और 3 का, तो इसका लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा, 9। अब सबसे पहले 1/3 को ले लीजिए, किसको ले लेंगे हम, 1/3 को। चलिए देखते हैं, 1/3 को लेते हैं हम, ये 1/3 लिख दिया हमने। अब इसमें जो ये 3 है, इसका हर का 3, इस 3 का जो लघुत्तम 9 आया, इसमें क्या करेंगे हम, भाग देंगे। 3 का भाग 9 में दी कितने बार गया, 3 बार गया, और जो भागफल ये 3 आया, इस 3 का गुणा 1/3 से कर देंगे, जो पहली संख्या आपकी 1/3 लिए, तो अब गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3 3 * 9, ये 3/9 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर ऋण 2/9 है, तो इस 9 का भाग 9 में देंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और इस 1 का अंश और हर में गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ऋण 2/9। फिर इसके बाद यहाँ पर ऋण 4/3 लिखिए, इस 3 का भाग किस में देंगे, 9 में, जो लघुत्तम 9 आया, कितने बार गया, 3 बार भाग गया, और 3 का गुणा ऋण 4/3 से कर दिए, तो कितना आया, ऋण 12/9। तो इस प्रकार से हमने इसके तीनों के हर के कर ली समान।
समान। अब हर समान होगा तो आप बता सकते हैं कि यहाँ कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, इसे आरोही क्रम में लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम कहलाता है, लेकिन हमने यहाँ पे अवरोही क्रम में लिख दिए हैं। यहाँ पे आएगा ऋण 12/9 छोटा है किससे, ऋण 2/9 से, और ऋण 2/9 छोटा है किससे, 3/9 से। आप इसको एक और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हमने अभी इस प्रकार से लिखे, इसको उल्टा करके आप लिख सकते हैं 3/9 क्या है, बड़ा है किससे, ऋण 2/9 से, और ऋण 2/9 बड़ा है किससे, ऋण 12/9 से। अब इनकी संख्याएं लिख सकते हैं आप 1/3, तो बढ़ते क्रम में लिखना, इसलिए हमने यहाँ पे बढ़ता क्रम आएगा, ये छोटी है फिर ये बड़ी है फिर बढ़, तो आरोही क्रम में इसको आपको लिख के बताया। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसे। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक कौन सा था, प्रश्न क्रमांक 10, और आपका अध्याय 9 कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारे द्वारा जो अध्याय 9 के 10 प्रश्न समझाए गए, ये 10 प्रश्न आपके समझ आए हैं, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।